उज्जैन में जब भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की रैली और कुछ संघ के कार्यकर्ता भारतीय जनशक्ति पार्टी कार्यालय से महाकाल मंदिर स्थित भारत माता मंदिर पर आ रहे थे, उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके चलते कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। मौके पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और उज्जैन पुलिस कप्तान सतेंद्र कुमार शुक्ला तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। पूरे शहर में शांति का माहौल बना हुआ है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। आज जैसा कि कार्यक्रम था यहाँ भारत माता मंदिर पर करने पर, उसी दौरान कुछ लोगों का आपस में विवाद हुआ। उसके दौरान पथराव की स्थिति बनी थी। तत्कालीन पुलिस बल ने इसमें मौके पर नियंत्रित किया है और अभी स्थिति सामान्य है। हम उनको चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से यह घटनाक्रम पूरा हुआ है, और उसमें चिन्हित होने के बाद उनके पश्चात उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह दो पक्षों के बीच में एक विवाद झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन बड़े स्थानीय प्रकार का वो विवाद था और पुलिस के द्वारा तुरंत पहुंचकर उस पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह है कि शहर में सर्वत्र शांति है, अमन है, कहीं कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है, और पुलिस और हम लोग पूरे परिस्थितियों पर पूरी तरीके नज़र जमाए हुए हैं। इसमें जहाँ कहीं भी जो भी दोषी होगा, जिसकी गलती होगी, जैसा भी होगा, वो सारे वीडियो फुटेज और जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उस पर कानून के द्वारा कड़ी कार्रवाई करेगी।